नई दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में एक घर में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि इसकी चपेट में आने से 7 लोग झुलस गए, जिनको उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है। इसमें से 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। साथ ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची है। दरअसल पुलिस और फायर ब्रिगेड को रात करीब 8 बजे सूचना मिली कि इलाके की 4 मंजिला इमारत में आग लग गई है। इस पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। इस दौरान 7 लोगों को घर से निकाला गया। इसमें से 3 महिलाओं और 2 पुरुषों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि 4 मंजिला इमारत की पहली और दूसरी मंजिल पर आग लगी थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट या रूम हीटर की वजह से आग लगी होगी। इस बिल्डिंग में कई परिवार रहते हैं। इस घटना से इलाके में मातम का माहौल है। बीते दिनों दिल्ली में मथुरा रोड पर मोदी मिल फ्लाईओवर के पास वन क्षेत्र में भीषण आग लग गई थी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कुल 7 गाड़ियां मौके पर भेजी गई थी। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।